पहुंच गए। हालत देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हमारा देखिए। एक्चुअली ही इज फ्रॉम रशिया। वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चा पार्टी और महिला समिति, एक बार फिर से सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और फाइनली टाइम हो चुका है निकलने का, आई गेस अराउंड 3:30 हो चुका है, 4 बजे निकलने का टाइम था। और इधर देखिए हमारे आतिक भाई जो है मिस्टर स्केलफुल फोटोग्राफर, अभी तक सोए हुए, ऐसा होने से थोड़ी होता है, चलो जगाते। इधर देखो, देख लिया सब लोगों ने, सब लोगों ने देख लिया यार, ऐसा थोड़ी ना होता है, देख लिया सब लोगों ने, उठो। अरे जाना है कि नहीं जाना? आलसी बनते करोगे तो कैसा होगा, 4 बजे निकलना है, अभी 3:30 बज गया, अभी तक देखो सो रहे। देखो उधर देखो, प्राणी को देखो, सो रहे अभी तक। हलकट जवानी, उठो, नागालैंड जाना है, अभी तक सो रहे हो। सुको आठा खुले रहे। तो कुछ सेट है, जैकेट पहनना बाकी है, पैंट मैंने पहन लिया है, और ये ताम झाम देखिए दोस्तों। दिस विल बी माई ग्लोव्स फीगो, पर मैं इसे पहनूंगा जब मुझे ठंड लगेगी। लगेज एक बार देख लीजिए, टैंक बैग, थैंक्स मोटूल इंडिया फॉर स्पॉन्सरिंग, एक्चुअली नॉट फुली स्पॉन्सर्ड, आवर लुब्रिकेंट पार्टनर, एंड दिस इज माय बैकपैक, हमार टेंटुआ, इसमें सोने का जो है मन बहुत ही है, देखते हैं आजमा सकते हैं कि नहीं, पैसा कम है टेंट पिच करके सोएंगे। और हमार जैकेट हुआ ही कहीं में फंसा हुआ है, ये है हमारा जैकेट हुआ। सो यह गाड़ी हो चुकी है फुल्ली लोड, जैसे कि देख सकते हैं पीछे का जुगाड़ बंजी कोट से, और ये रहा टैंक बैग, और ये रहा बाइक, वी आर ऑल सेट टू लीव। हमारा हो गया सेट। अरे इधर रोशनी क्यों, मुंह में पकड़ो ना अपना। हाँ तुम हो गया सेट, एकदम सेट। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके 4:18 हो चुका है, फाइनली निकल चुके हैं। ओके सो गाइस, फर्स्ट मीट पॉइंट है खानापारा, तो वहीं पे जाके गाड़ी को रोकते हैं, और ताहे शायद बाकी के राइडर्स भी आ चुके होंगे, अगर नहीं आए तो वेट करेंगे थोड़ा थोड़ा सा लाइट दे देते हैं, तो बैठ जाओ ना भाई, बैठ जाओ। आज विद्युत भाई है उधर, पांडे जी है, क्या दिक्कत है, ताबड़तोड़ होने वाला सब कुछ। हाँ अभी किसके लिए रुके हम लोग, शिवम भाई और नील भाई ना। तो गाइस ये रहा पेट्रोल पंप, तो यहीं पे हम लोग रुकेंगे, बाकी के 3 हम सफर हमारे तेल डालेंगे यहाँ पे। हाँ पांडे जी बढ़िया सब कुछ, फर्स्ट क्लास, यो यो हनी सिंह, चलो यहाँ नागालैंड जाती फाइनली हो चुका है पेट्रोल डालने का सिलसिला खत्म, और फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। एंड आवर टुडेज डेस्टिनेशन, वी आर थिंकिंग ऑफ रीचिंग कोहिमा, एंड इफ इट इज पॉसिबल फॉर अस टू रीच कोहिमा बाय इवनिंग देन इट इज वेल एंड गुड, और एल्स वी विल स्टे इन दिमापुर। वेल काफ़ी अच्छा लग रहा है, हाईवे के इस तरफ भी थोड़ा हल्का पुल्का फॉग है, इस तरफ भी हल्का पुल्का फॉग है, तो सीधे रोड पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे है काजीरंगा 199, गोलाघाट इज 259, हम लोग तो गोलाघाट जाने नहीं वाले हैं। अरे धुंध का फॉग है सामने तो, ताबड़ तोड़। अच्छा मैं बता रहा था गोलाघाट तो हम लोग नहीं जा रहे, वही नुमोलीगोर होके गोलाघाट बाईपास होके हम लोग दिमापुर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, गोलाघाट हम लोग एंटर नहीं करने वाले। विजिबिलिटी जीरो नहीं कह सकते, हल्का पुल्का विजिबिलिटी है, एज इट इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर, सो हल्का पुल्का ये फॉग वगैरह होना जो है इट इज़ लाइक कॉमन थिंग, तो यहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी कमता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके वी आर क्रॉसिंग जागी रोड एंड द टाइम इज 5:53 PM। उधर चंदा मामा तो नहीं, सूरज चाचू जाग रहे हैं आराम से, होले होले से, एकदम बादलों के बीच में से जग रहे हैं। और ये रोड देखो भाई, ताबड़तोड़ रोड है, क्या बताएं, बट
दिस फोर लेन इज ओनली लिमिटेड टिल नौगांव बाईपास से, फिर वहाँ से ख़त्म कहानी। वहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे काजीरंगा वाले रोड में, जो कि सिंगल लेन है। तो पता ही होगा अगर आपने देखा होगा तवांग वाला ब्लॉग, यही रोड से हम लोग गए थे तवांग अप्रैल के महीने में, और अभी है अक्टूबर का महीना, नागालैंड जा रहे हैं। वाइल डूइंग रोड ट्रिप्स लाइक दिस ऑलवेज कीप वॉचिंग एट योर लगेज टू मेक श्योर दे एग्जिस्ट। Okay, right now we have reached Roha toll gate. तक functional नहीं है, sorry. ये कुछ दिन पहले functional हुआ था, फिर से यहाँ के local लोगों ने strike कर दिया, उसके बाद फिर से ये बंद हो गया। Okay guys, we have reached Naugaon bypass. यहाँ से left side में जाते तो हम पहुँच जाते Naugaon. यहाँ से हम ले रहे हैं straight वाला road जो हमें लेके जाएगा towards Koliyabor. और हमारा breakfast का decision हमने लिया है, जैसे आप देख रहे हो अभी 7 बज चुका है, 7:08 एंड वी विल हैव आवर ब्रेकफास्ट इन चोखलाबंदा, वी विल हैव रोटी शोटी एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके सो बाय बाय कर दिया फोर लेन वाले रोड को और चढ़ चुके हैं हम अभी सिंगल लेन। अभी यहाँ से कहीं पे भी नहीं मिलेगा फोर लेन। हमारे आगे है शिवम भाई यानी कि परिंदा भाई, ताबड़तोड़ लगेज एकदम चढ़ा के जा रहे हैं। डाइवर्सन गो स्लो कीप राइट, ठीक है थैंक यू। डाइवर्सन तो ले लिया, उबड़ खाबड़ रोड है अभी। सो गाइस अभी पहुंच चुके हैं कोलियाबोर। यहां से लेफ्ट साइड जाएंगे तेजपुर और नुमलीगढ़ है 88 किलोमीटर यहाँ से। ओके पहुँच चुके हैं चोखलाबंदा, यहीं पे करेंगे खाना पीना सुबह का नाश्ता। तो भाई लोग भी पहुँच गए मेरे ख्याल से, चलो। वेल यप गाइस, अभी जस्ट नाउ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं एंड आई गेस रोटी सब्जी मिलेगा ना, तो रोटी सब्जी मिलेगा एंड रोटी के साथ पूरा प्लेन मतलब प्लेट आता है, उसमें तरह तरह का अलग अलग सब्जी मिलता है। ये वीडियो जो है एपिसोड वाला ये थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इनकेस आप फ्री हो तभी हेडफोन लगा के आराम से चिल मार के देखो। शिवम भाई कर रहे इंट्रोडक्शन क्लास, करो। हमको लगी ये भूख, हम हमला करेंगे अभी। अभी हम लोग खाएंगे ब्रेकफास्ट। ओ भूख लगसी पापा, भूख लगसी, भूख लगसी, खावा लगबो डोगरी, खावा लगबो। अच्छा तो अच्छा ओके, खत्म हो चुका है ब्रेकफास्ट यहाँ पे चोखलाबंदा में। नेशनल पार्क के बीच में से हम लोग जाएंगे बाइक लेके अभी। चलो विद्युत भाई जल्दी करो, चलो। विद्युत भाई का जैकेट बहुत सेक्सी है, जीव्स का है। कॉस्ट ऑफ दिस जैकेट इज अराउंड 12,000 रुपीस। जीव्स का वाइपर एडिशन। जोरहाट इज 131, डिब्रूगढ़ इज 260 किलोमीटर। नहीं जाना है हमें जोरहाट भी नहीं जाना है, डिब्रूगढ़ भी नहीं जाना है, जाना है कोहिमा। लुक एट दिस गाइस, ऑन माय राइट टी गार्डन है इस तरफ भी और लेफ्ट साइड में भी टी गार्डन है। This like you know Upper Assam is really famous for this tea gardens and all. बाइक चलाओगे और रास्ते में सीनिक ब्यूटी मिलेगा और क्या चाहिए। सो अभी हम लोग प्रॉपरली काजीरंगा नेशनल पार्क के एरिया में हैं। हाय बाय जो जंगल में मंगल है ये सब, इन जंगलों के अंदर में है हमारे देश का प्राइड वन हॉर्न राइनो। लिटिल माउंटेन वाला सेक्शन, घाट सेक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा घाट का सेक्शन है, उसके बाद फिर प्लेन्स ही प्लेन्स है। यहाँ पे देख सकते हो आप लेफ्ट हैंड साइड में है एक व्यू पॉइंट, यहाँ से दिखाई देता है अगर लक अच्छा हो तो राइनो भैया को, गेंडा स्वामी। द ओनली थिंग आई हेट अबाउट काजीरंगा वो है स्पीड ब्रेकर्स, इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स है, मतलब आपके कमर तोड़ने के बाद ही आज नहीं आएंगे। ओके फ्रॉम हियर डिग्बो इज 316, जोरहाट 98 एंड कोहोरा 10 किलोमीटर। हाँ लेफ्ट हैंड साइड में है वर्ल्ड हेरिटेज काजीरंगा नेशनल पार्क का गेट। जी हाँ
यहीं से एंट्री होता है। बस नो हमने थोड़ा एक छोटा सा ब्रेक लिया था क्योंकि वी आर फीलिंग वेरी व्हाट टू से स्लीपी और रात को नींद नहीं हुई थी अच्छी तरह से, इसके चलते हुए राइड करते करते नींद आ गई थी। रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर करके जाना है। अभी 10:41 हो चुका है, लगभग 250 किलोमीटर चला चुके हैं हम बाइक और चलो रे चलो। तो यप गाइस अभी पहुंच चुके हैं नुमोलीगढ़ के इस टर्निंग में। कोलाघाट है 37 किलोमीटर, दिमापुर 107 और इम्फाल है 311 किलोमीटर। तो ले लिया है राइट टर्न। हाँ, मोरे मणिपुर इज 430 किलोमीटर्स। मणिपुर जाएंगे कभी, मणिपुर भी जाएंगे। ध्रुव भाई पांडे जी पहले पहुंच गए, 9 साफी है ये तो। रंगत जान पहुंच चुके हैं यहाँ पे, एक दोस्त है उससे मुलाकात करनी है, फिर टाटा बाय बाय टुवर्ड्स दिमापुर। वेल यप गाइस अभी पहुंच चुके हैं रंगा जान बोल के, गोलाघाट के पास में एक जगह है एंड यहाँ से जाएंगे दिमापुर की तरफ। बट यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड, हिज नेम इज आलोकेश, वन ऑफ माई फ्रेंड तो वो यहाँ पे आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। फ्रेंड जो था उसके बारे में बता रहा था थोड़ी देर पहले, वो पहुँच चुका है। हियर इज आलोकेश एंड हम पुराना पापी एक साथ लद्दाख किए थे हम लोग राइट बैक इन 2015, जिसका वीडियो है चैनल में। तो इनसे अभी थोड़ा बतियाएंगे और ध्रुव भाई का भी वेट कर रहे हैं वो लोग का भी, तो बातचीत करेंगे ऐसा, यहाँ से अलविदा करेंगे टुवर्ड्स कोहिमा। तो पांडे जी का पूरा टीम आ चुका है, पहुंच चुका है अभी फिलहाल पूरा एक ही गंडोगोल, अच्छे जुगार। क्या हुआ, कैमरा टूट गया? कैमरा नहीं टूटा, ये देखो क्या हो गया, बैटरी अंदर फंस गया। तो हम लोग जुगाड़ करके फिर यहाँ से निकल रहे हैं और गोप्रो में बात करेंगे। चलिए अब हम पुराने दोस्तों से मिलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं मिला तो मेरे मन को बहुत शांति था महसूस हो रहा है अभी। सो गोलाघाट बाईपास क्रॉस करने के बाद अभी इस जंगल वाले रोड में आ चुके हैं हम। फिर मज़ेदार एम्बियंस है अभी जंगल का, अच्छा लग रहा है। सो अभी टैंक फुल करवा रहे हैं फिर से, कार्बी आंगलोंग पहुंच चुके हैं, 911 रुपये डाल चुके, थोड़ा और जाएगा शायद। यहाँ से कोहिमा है अराउंड 110 या 120 किलोमीटर, बट यहाँ के लोकल्स के अनुसार इट विल टेक अराउंड 7 to 8 hours। आई थिंक यू कैन गेस व्हाट काइंड ऑफ रोड्स इट विल बी। तो कावड़ तो रोड जो है शुरू हो चुका है, मतलब इस तरह के गड्ढों वाले रोड अगर का बताया, अगर तीन चार का 30-40 किलोमीटर तक मिल जाए तब तो भाई 2-3 घंटे में दिमापुर पहुंचना भी भूल जाओ। दिमापुर पहुंचते ही जाए मेरे ख्याल से 4 घंटा लग जाएगा। शुरू हो गया कीचड़ उल्फत, डेयरी मिल्क कीचड़ शुरू हो गया रे बाबा। अरे राजू संभाल के चलाने का रे, बढ़िया है क्या बताए। सबसे पहले मिलेगा हमें बोकाजान जो यहाँ से लगभग है 30 किलोमीटर, और पता नहीं यार ऐसा ही रोड मिलता रहेगा तो फिर हो गया शाम। साइनबोर्ड दिखा था मुझे थोड़ी देर पहले, यहाँ पे लिखा था कि दिमापुर है 45 किलोमीटर। अभी देखते हैं ये 45 पहुँचते कितना टाइम द वक्त लगता है। पिछले आधे घंटे से बस ऐसे ही चला रहा हूँ, गड्ढों से बचाओ, एक्सेलरेट, ब्रेक, क्लच, डी एक्सेलरेट, बस यही कर रहा हूँ पिछले आधे घंटे से। फेस वाश, मिट्टी वाला फेस वाश, नागा मिट्टी का फेस वाश चाहिए मुझे। लग रहा है, कैसा लग रहा है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। रास्ता सुना अवस्था ना रोकी ले और काम ना कोई थी बोली वो भाई, पूछो मत, हालत खराब है, रास्ते की वाट लग चुकी है और हमारा भी वाट लग चुका है। पहले वेट कर रहे थे उनको जाने देते क्योंकि बहुत ही स्लो चला रहे हैं, स्पेशली शिवम भाई और नील भाई ना, दोनों बहुत स्लो चला रहे हैं अभी। और तो अभी जैसे कि आपने देखा अभी गए ये लोग और पता चला है कि दिमापुर से जो कोहिमा का रास्ता है उसमें तो पूरा फुल ऑन कीचड़ ही कीचड़। ऐसा लग रहा है कि रात के 9:30 बज जाएंगे कोहिमा पहुंचते पहुंचते, हालत टुकड़म टुकड़म स्पीड ब्रेकर जैसा हो गया, ऐसे ऐसे तर्र ऐसे ऐसे करता है। और
लेकिन मज़ा तो आ रहा है, लेकिन मज़ा के साथ सज़ा भी है, लेकिन सज़ा में ही मज़ा है, वो भी है, वो भी है। चलो आगे देखते हैं और क्या क्या मिलता है। तो फाइनली नागालैंड गेट पे पहुंच चुके हैं 3:17 पर। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू डिमापुर नागालैंड, तो एंटर कर चुके हैं हम अभी। वेलकम टू नागालैंड, गेट देख लिया? गेट हाँ, कोहिमा की तरफ ही चलते हैं, टाइम तो है ना, 3 घंटे में पहुंच जाएंगे शायद। हालत हो चुकी है ख़राब, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूल और मिट्टी झेलते हुए वी क्रॉस डिमापुर सिटी। और अभी ये पीछे जो गेट दिखाई दे रहा है, इट इज़ फेमस प्लेस फॉर फोटोग्राफी, है कि नहीं? कोई भी नागालैंड आता है तो यहाँ पे फोटो ज़रूर खिंचवाता है। एंड सेकंड थिंग इज़ गोप्रो चार्ज में था, इसके वजह से और सिटी में क्या दिखाना, पूरा धूल मिट्टी जैसे जैकेट का अभी थोपड़ा देख लीजिए, थोपड़ा देख लीजिए, पता चल जाएगा कितना धूल मिट्टी है। ये देखिए, ये सफ़ेद जैकेट पहन के आए थे, अभी देखो गंदा बच्चा बन गया एकदम। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर ऑफिशियली ऑन द माउंटेन्स, यहाँ से शुरू हो चुका है पहाड़ों का सिलसिला। एंड यहाँ से चढ़ाई करते हुए हम लोग जाएंगे कोहिमा, लगभग यहाँ से और 3-4 घंटा लग जाएगा, बाकी का बातें गोप्रो में होगा। यहाँ पे कुछ खाना खा लेते, कुछ खा चाय वगैरह पी लेते, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, और वहाँ पे फोटो तो मैंडेटरी है, तो एक फोटो खींचेंगे। असली सफर शुरू होगा यहाँ से, एंड यहाँ से है लगभग कोहिमा 60 और 57 किलोमीटर। थोड़ा धूप रहता तो अच्छा लगता, आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा पाता, मैं फिर भी कोशिश करूंगा। तू चश्मा लगाती, कीड़े मकोड़े सबको स्वागतम जनाएंगे हेलमेट के अंदर। Here we come Kohima. Oh, wow. Welcome to Hilleria, Nagaland. It is what it is written over there. Thank you. Dairy milk. Teacher Ulfat. Hasratan Habibi. Aisan hoga. To kaisan hoga re baba. तो अरे भाई पानी वानी क्या करते हो यार, धीरे से चलाया करो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे धूल मिट्टी, बचो इनसे। ठंड नाम का परिंदा अब तक बदन को छुआ नहीं है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। आज पूरा दिन मैंने ये ढूंढते हुए निकाल दिया, पूछिए क्या ढूंढते हुए निकाल दिया, ये ढूंढते हुए निकाल दिया कि गड्ढों में से मैं रास्ता कहाँ निकालूँ। रास्तों में गड्ढा नहीं था, गड्ढों में रास्ता था। ख़त्म है हालत, ख़त्म है रास्ता, बाप रे बाप, गड्ढों का सौदागर है नागालैंड तो। ठीक है, जितने भी बाइकर्स हैं सब पीछे है, और मेरे आंखों में काफ़ी धूल चली गई है, तो आई नीड टू वॉश माई फेस। यप गाइस, यहाँ पे लिया था एक छोटा सा ब्रेक, और जो हालत हुआ था हम लोगों का धूल की वजह से, उसका दृश्य मैं दिखाता हूँ आपको होटल पहुँचने के बाद। और अभी अगर कुछ दिखाने लायक हो तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो फिर डायरेक्टली होटल में मिलते हैं। चलिए, किसे गियर गेलो ना, जो गियर लीवर, हमारे नील भाई का बाइक जो है गिर गया था, यहाँ पे गड्ढा था, तो गिरने के बाद क्या हुआ कि उनका गियर लीवर अंदर चला गया। 8:45 PM एंड फाइनली वी हैव रीच्ड द गेट ऑफ कोहिमा। ये रिचर्ड होटल रूम। अरे बाप रे, टंगड़ी इज फसिंग। अरे बाप रे, पहुंच गया जैसे तैसे। हालत ऊर्जा देखिए कैसा है। ऐसा ही होता है, राइडिंग के शौक है ना बहुत, ऐसा ही होता है। हमारा तो कोई बोलने की बात ही नहीं है। और अच्छा से देखिए एकदम। पहुंच गए, हालत देखिए, ये देखिए हालत हो चुकी तंगी। हमारा देखिए, actually he is from Russia, you know. He looks like Russian right now. Fresh ho gaya thoda baat hai, nahi aur ek baat bataya aapko, kaun sa bahut ghoomne ke baad ye room mila. Hum Indian ho ke ghar se nikle the, lekin hum foreigner ban gaye aake, kya bole aapko. Aise dikh rahe bhaiya, Russian Romanov, upar se niche tak ek baar dikha dijiye. Par bahut dhoondne ke baad bhaiya ka jacket bahut acha hai, maine bataya tha GoPro mein iska price wagera. And this is the room, triple bed hai, इधर है आईना है उल्फत है, उधर वार्ड्रोप है गुलफत, इधर टीवी हसरतन है, और इधर लागेज है बकरतन, और टेंट है हसरतन,
सब कुछ है 1500 फॉर टू रूम्स, 6 जन है तो 3 जन 3 जन 6 पर्सन के लिए। एपिसोड 1 यहाँ पे खत्म होता है, कल जाएंगे हम लोग जुको वैली के लिए। तो यहाँ तक अगर वीडियो के पसंद किया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइड सेफ, बाय बाय। तो गाइस एक चीज रह गया था बोलने, आखिर के जो 30 किलोमीटर थे इट वॉज हॉरिबल, मतलब स्पीति वैली लद्दाख फलाना डिमका फेल है, इसके आगे फेल, सब कुछ फेल है। हमारे दीपक भाई भी आए थे कुछ दिन पहले, उनको भी पता है किस तरह का रोड है ये, मतलब ब्लैक आइस जैसा होता है ना, ब्लैक आइस तो आपने सुना है देखा है, ये है मड आइस। भाई को मिला मुल्तानी फेस पैक और मुझे मिला, मुझे क्या मिला दिखा, अच्छा मुझे मिला जमाइकन, जमाइकन फेस पैक। अच्छा चलो इतना बोलना था, बाकी चलो वीडियो बहुत लंबा हो गया, चंद पता है, पर एपिसोड 2 भी देखना।